और वहीं बांदा में जिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। समय से अस्पताल में मरीजों को दवा मिल रही है, डॉक्टर्स भी अस्पताल में समय से पहुंच रहे हैं। अस्पताल में रैन बसेरे की सुविधा हुई है, स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यानी जिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, ये मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर है। स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, अस्पताल में ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को कोई भी दिक्कत ना आए। समय से अस्पताल में मरीजों को दवाएं भी मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा की तस्वीर, ये जो तस्वीर हम आपको बदायूं से दिखा रहे हैं, जहां पर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से तस्वीर आप देख सकते हैं, जिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, समय से अस्पताल में मरीजों को दवा मिल रही है, डॉक्टर्स अस्पताल में समय से पहुंच रहे हैं, अस्पताल में रैन बसेरे की सुविधा हुई है, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था बदायूं में कर रखी है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था जनपद बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में दुरुस्त बनी हुई है। वहीं इस संबंध में जब हमने सीएमएस से बात की तब उन्होंने बताया कि यहां पर टोटल ही इलाज होता है, जो ज़्यादा सीरियस केस होता है उसको बरेली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। और वहीं जब हमने मरीजों से बात की तब मरीजों ने बताया कि यहाँ पर समय से हमारे लिए ये दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाती हैं और समय समय से यहाँ पर डॉक्टर आकर हालचाल यहाँ लेते ही रहते हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि यहाँ हमारे लिए किसी भी बात की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। वहीं देखा जाए तो जगह जगह पर ये सुनने में आता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जिला अस्पतालों में ठीक नहीं है, कि डॉक्टरों की कमी है, कि फिजिशियन की कमी है, लेकिन बदायूं जिला अस्पताल पर लगातार सब चीज़ें ये मुहैया करा दी गई हैं और यहाँ पर डॉक्टरों की भी उपस्थिति ये बनी हुई है। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान बदायूं।